सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और गाइस, मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का, आर्क पायरिया का। और गाइस, आर्क पायरिया के पिछले एपिसोड में जैसे कि आपने देखा होगा कि ये फायर वाला जो एलिमेंट है ना गाइस, फायर नहीं सॉरी लावा वाला जो एलिमेंट है ना गाइस, जिसको टेम करने का अपन ने काम करा था, और ये कतई ज्यादा खतरनाक और डेंजरस वाला एलिमेंट है। और इसको जो ना गाइस तुम्हारे भाई ने पिछले एपिसोड में यहाँ पे टेम कर लिया था। और आज के इस एपिसोड में आप सोचेंगे हम क्या करेंगे, तो आज के इस एपिसोड में जो ना गाइस मैं सोच रहा हूँ क्यों ना जाके गाइस यहाँ पे हमारे डार्क पैलेडिन की जो आर्मी है उसको गाइस यहाँ पे फाइनली टेम करा जाए, क्योंकि उसी आर्मी से जो ना गाइस अपन यहाँ पे शायद अगले एपिसोड में जो ना गाइस अगर वो आर्मी बन गई तो अगले एपिसोड में जो ना गाइस यहाँ पे बॉस फाइट लेने का काम करने वाले। तो गाइस आज का जो एपिसोड है ना गाइस काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, तो भाई जरूर पूरा का पूरा देख लेना। और अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आता है तो गाइस इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और जो भी नए बंदे यार फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस। और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में गाइस लिंक मिल जाएगा गेमिंग विद डैनी के चैनल का और हमारे गाइस ब्लॉगिंग चैनल का। अगर अभी तक आपने हमारे ब्लॉगिंग चैनल को और गेमिंग विद डैनी के चैनल को चेकआउट नहीं करा है तो जाकर फटाफट से चेकआउट करके आ जाना गाइस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए भाई लोग करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी के शुरू। एंड ये देख रहे हो गाइस लावा वाला भाई एलिमेंटल जब भी जहां से भी गुजरता है वहां पे भाई अपना ये देख रहे हो लावा का ऐसा भाई रोड बना डालता है भाई, है ना खतरनाक, है ना खतरनाक। अरे चला जा भाई, ये कोयला पीला क्या है, कोयला काला है भाई। एक काम कर ले भाई, वुड दे दे, वुड की काफी ज्यादा कमी है भाई, मैं वुड लेके जाऊंगा भाई। और यहाँ पे जो ना गाइस मिड बिड भी दे दे भाई, कुक करने के लिए डाल के आऊँगा भाई, ठीक है। हाँ बस बेटा बस बस बस, चलो आ जाओ, चलो काम पच्चीस। एक काम कर ले मेटल भी दे दे भाई, ठीक है, काम आएगा किसी ना किसी, तो चलो आ जाओ लेट्स गो। अभी जो ना गाइस अपन चलते हुए फिलहाल के लिए घर पे, और घर पे जो ना गाइस मैं जाता भाई डार्क पैलेडिन की जो आर्मी है ना गाइस उनको बनाने के लिए भाई, ठीक है। ओके रेडी हो? उससे पहले यहाँ पे भाई मेरे को भाई भर भर के वुड बिट डालने दो गाइस, इसके अंदर ज़्यादा वुड तो नहीं जा पाएगा यार। वुड जो ना गाइस एक काम कर लेता मैं यहाँ पे किसी बक्से के अंदर डाल देता हूँ, मैं ओवरवेट हो चुका हूँ यार वुड उठाने के कारण। इस बक्से के अंदर जो ना गाइस मैं सारा का सारा जो वुड है और भाई मिड बिड और ये जो फायर वाला जो भी बनाता हूँ वो डाल देता हूँ भाई, ठीक है। ये मेरे अंदर रहने दे। ओके नाइस वन, काफ़ी बढ़िया। डार्क वाली पैलेडिन के आर्मी खा रहे हो गया भाई इसके मेरी, ले बेटा एंड ये ले बेटा भाई, ठीक है चलो आ जाओ। अभी जो ना गाइस मेरे को यहाँ पे देखना है डार्क भाई, ठीक है। डार्क सर्च कर लूँगा तो मेरे हिसाब से मिल जाएगा भाई, ठीक है। डार्क माना रिपर नहीं, डार्क पैलेडिन 26 53 पे है ये, 28 50 25 पे है भाई। ओके ये 26 53 कहाँ पे आता है? और यहाँ पे मेरे को इनके कार में मिल जाएगी पूरी की पूरी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और डेंजरस एरिया है गाइज। मेरे को इनके आर्मी लावा वाले माउंटेन पे मिल जाएगी गाइज, ठीक है। बट लावा माउंटेन अभी आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि कितनी ज़्यादा भाई खतरनाक वाली जगह है गाइज, ठीक है। एक काम कर ले, वो क्या बोलते हैं वो अभी साइड में लगाने वाले क्या होता है, वुड वुड के ये वाले, हाँ ये जो ना गाइज ये बना दो मेरे को कम से कम भाई 15 या 20 भाई, ठीक है। और ये मैं सारे जा रहे हैं लेके जाऊंगा साथ में, क्योंकि वहाँ पे जो ना गाइस मेरे को और मेरे भाई यहाँ पे टिबूर बिबूर को सेफ रखना काफ़ी ज़रूरी है। अगर वो मर गया ना गाइस हमारा टिबूर और हमारा मेन मतलब मैं मर गया ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए जो ना गाइस मैं वहाँ पे मरना नहीं चाहिए, थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। अपन चलते हैं गाइस डायरेक्टली भाई वोल्केनो बायम पे, और वहाँ पे जो भी डार्क वाले गाइस क्रीचर, अरे यार ये डार्क तो वो नहीं है ना, ये डार्क वो क्रीचर तो नहीं है ना जो रीपर ने स्पॉन करे थे? अगर ये वो क्रीचर है तो मेरी बैंड बच जाएगी, क्योंकि वो मेरे को टेम नहीं करने, क्योंकि वो नॉट टेमेबल होते हैं भाई, ठीक है। 26 53 भाई, ठीक है 26 53 मेरे को क्यों लग रहा है कि ये वही है भाई, 26 53 भाई मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वही है जो भाई रीपर ने यहाँ पे स्पॉन करे थे, और 26 53 भाई 2653 भाई वही है पक्का, सोड़क का वही है भाई 2653 भाई। वो क्या यार मैं गलत 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 जगह पे आ गया गाइस, ठीक है बहुत ही ज़्यादा गलत जगह पे आ गया मैं, रीपर के मुँह के सामने आ गया भाई 26 और 53। ये क्या भाई, यही पे तो उसने स्पॉन करे थे अपने मिनियंस। फिर भी मैं रुक जाऊँ, मैंने जो है ना गाइस थोड़े से भाई यहाँ पे कहीं पे डार्क वाले क्रीचर देखे थे वो, ये टेमेबल है क्या? अरे यार ये तो यहाँ पे घूम रही भाई, तेरे लोंडे टेमेबल है क्या? ड्रैगन विगन ड्रैग से पंगा ले वो रहेगा इस वो पैलेडिन, वो नॉट टेमेबल वाले होते हैं भाई, ठीक है। वो रीपर के समोन जो ये समोन वाले जो होते हैं ना डार्क पैलेडिन, वो नॉट टेमेबल होते हैं। मेरे को टेमेबल वाले वर्जन जो है ना गाइस वो यहाँ पे यू आर डार्क नहीं यार, ये सेंचुअर है
सेंचुरी डार्क है क्या? डार्क पैलेडन नॉट टेमेबल है यार। यार ये आप नहीं ढूंढना, मैं बेस पे जाता, मेरे को इनकी आर्मी चाहिए होगी गाइस किसी भी कीमत पे, वरना अपना काम नहीं होगा गाइस। ठीक है चलो, मेरे को इनकी आर्मी की जो ना गाइस दूसरी कोई लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी, जहाँ पे जो ना गाइस मेरे को सारे के सारे मिल जाए डार्क वाले भाई क्रीचर, चार या पाँच एक साथ वॉरियर मिल जाए और उनकी मैं आर्मी बना सकूँ, और उससे जो ना गाइस अपन भाई फुल टू बैंड बजाने वाले, वो एक आँख वाला साइक्लॉप था ना डेजर्ट में उसकी गाइस। ठीक है चलो आ जाओ, मैं जरा एक बार लोकेशन देख लेता हूँ, उसके बाद बारिश जाने दे डेड, उसके बाद अपनी जर्नी पे निकल दे गाइस। ठीक है डार्क ही थी ना, एक काम कर डार्क मत सर्च मार, मैंने उसको क्या अभी मैंने क्या टेम करी थी, टिबूर नहीं भाई, मैंने अभी एक टेम करा था कुछ तो, हाँ जेनिथ सर्च मार, जेनिथ मेरे को काफ़ी पावरफुल लग रही है। हाँ ये कहा भाई 2931, ये काफ़ी बढ़िया लोकेशन है भाई 2931, ये काफ़ी बढ़िया लोकेशन है भाई। ठीक है ये जो है ना गाइस मेरे बेस के आजू बाजू ही है, एक काम कर लेता गाइस यहाँ पे पहले भाई, ये भाई बारिश बिरिश आ रही है ना गाइस, ये बारिश बिरिश जा रही है तो उसके बाद 2931 आई थिंक इस पहाड़ी के ऊपर है, वहाँ पे जाते हैं और उसको टेम करके लाते हैं अपन भाई, और मेरे को लग रहा है कि वो अकेले तो घूमेगी नहीं, वो अपने आर्मी के साथ घूमेगी, तो उसके आर्मी को भी टेम करके लाएंगे गाइस। ठीक है रुक जाओ गाइस बारिश जाने दो पहले। A few moments later. चलो गाइज यहाँ पे जो है ना गाइज अभी जा चुके हैं भाई बारिश, एंड अपन जाने वाले, एक मिनट रुक जा भाई, टिबूर को पहले निकाल भाई, टिबूर मैंने गाइज, टिबूर के बिना अपना कुछ नहीं हो सकता भाई। ठीक है चलो आ जाओ लेट्स गो, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे भाई अपन के पीछे साइड में ना मेरे को मिल जाएंगी वो, क्या लोकेशन 2931। अबे क्रैकन, क्रैकन सर जी, अरे बाय 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 बाय, क्रैकन सर जी स्वयं आ गए भाई यहाँ पे मार खाने के लिए मेरा। अबे नीचे डायबॉम क्यों नहीं मार रहा बावड़ी कुछ, तू डायबॉम क्यों नहीं मार रहा गाइस, क्रैकन से पंगा ले ले क्या? ओए एक मिनट रुक जाओ, अरे डायबॉम, अरे हाथ में ये लेके बैठा हो भाई, वो कैसे मारेगा गाइस, क्रैकन के साथ फाइट कर लेते हैं गाइस, क्रैकन को मारने से अपन को कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा गाइस। ठीक है चलो आ जाओ, हाँ वो डार्क वाली आर्मी अपन बाद में बना लेंगे, मेरे को पहले देखने दो कि भाई पूरे मैप पे भाई और भी कोई क्रैकन है कि नहीं, वरना इकलौते क्रैकन को मैं पेल दूंगा और दिक्कत हो जाएगी। क्रैकन तो भाई भर भर के है भाई। ठीक है आ जाओ चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी ये जो क्रैकन वहाँ आया है ना गाइस, इसको अपन पेलेंगे कैसे, अभी आप यही सोच रहे होंगे कि इसको हम चेपेंगे कैसे, तो इसको चेपने के लिए गाइस अपन अभी खतरनाक से आर्मी का इस्तेमाल करने वाले हैं। आपको पता चली गया होगा मैं किस आर्मी की बात कर रहा हूँ गाइस, यस आप सही सोच रहे हो, मैं उसी आर्मी की भाई यहाँ पे रुक जाओ बात कर रहा था, और मैं उसी आर्मी को यहाँ पे भाई यूज करने वाला हूँ, एंड वो आर्मी है गाइस अपनी डार्क, पहले निकाल डार्क वाला पैलेडिन, ओके ठीक है तीन लोग देना गाइस उसमें, पहला 900 लेवल का डार्क पैलेडिन, बाद में कौन था इंडोडूडूडूडूडू ये भाई, ठीक है चलो आ जाओ, एंड उसके बाद कौन था भाई, उसके बाद था भाई ये डिवाइन, डिवाइन वाली बर्सलर नहीं थी यार, आर्चर थी ना आई थिंक, यही थी क्या, आई डोंट नो यही था का, ये नहीं थी यार, आर्चर थी शायद आर्चर थी, डार्क आर्चर थी क्या, टिबूर गैलगेरिया, टिबूर आर्चर नहीं थी आई थिंक भाई, उसका नाम बन गया गाइस, रुक जाओ इसकी भाई थर्ड पार्टनर को निकाल दे दो बाहर मेरे को, पैलेडिन डिवाइन पैलेडिन नहीं चाहिए मेरे को, डार्क से काम बन जाएगा बेटा। ठीक है डिवाइन एंड आयरनवुड इंट नहीं भाई, कहाँ पे चला गया डिवाइन, नहीं ये भी नहीं था, क्रोको क्रोको किधर है भाई, ये फैट ऑर्ग सोल्जर बग टिबूर स्पिरिट सेंटिनल नहीं है यार भाई, हेलो व्हाट इज दिस बिहेवियर भाई, सेंचोर गाइस पता नहीं गाइस कहाँ पे चले गए गाइस, ड्रैगन रिक्स है, टिबूर है भाई, मेरे को पता नहीं कि वो फाइनल वाली जो थी ना गाइस वो थी क्या गाइस, ठीक है डिवाइन वाली थी क्या, डिवाइन वाली तो नहीं थी यार, ये क्या डार्क आर्चर यहाँ पे ही तो है, मैं पूरे दुनिया में इसको ढूंढ रहा हूँ भाई, इसके आग नीचे तो लगी हुई थी भाई ये, चल आ जा भाई अभी गाइस इस आर्मी से अपन भाई पंगा लेने वाले उससे भाई, ठीक है लेकिन आपको बताइए, अरे भाई 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 ओ भाई ओके गाइस दम तो बहुत ही ज्यादा है गाइस, ठीक है दम तो बहुत ही ज्यादा है भाई इनके अंदर भाई, बैंड बजा के रख देंगे गाइस एक ही भाई, लग तो मेरे को इसी लगा गाइस, बहुत गंदी तरीके से बैंड बजा के रख देंगे गाइस यहाँ पे भाई, ठीक है भाई जो भी इनसे पंगा लेगा ना गाइस, मेरे को नहीं लग रहा कि ये तीन के अलावा
मेरे को और किसी का इस्तेमाल करना चाहिए यहाँ पे बॉस फाइट के लिए भाई, ठीक है? ले बेटा नाइस वन आ जा। हाँ भाई ये सब कुछ भाई ट्रांसफर मार दे भाई, ठीक है बेटा तेरी लेवल अपनी आई है तो इसलिए भाई तेरी अभी और लेवल अपनी होगी, इसके बजाय मैं इसकी लेवल अप कर लेता भाई, ठीक है? चल बेटा तेरे को भाई अंदर घुस के मारना है, ठीक है? पैलेडिन तू ही सहारा, तू जग सहारा भाई, तू ही अपनी आखिरी उम्मीद है भाई। ये आई थिंक पैलेडिन मैक्स लेवल हो चुका है शायद। ओ नहीं यार ये भी मैक्स लेवल नहीं हुआ, इसको भी एक लेवल चाहिए यार मैक्स होने के लिए। ठीक है चलो गाइज अभी इन सबको जो ना गाइज एकदम मस्त विज्ञापन लेवल अप कर रहे हैं और इनको जो ना डायरेक्टली जाके क्रैकन से बिड़ाएंगे अपन, क्रैकन से बेच के आप देखते गाइज कि ये लोग जो ना गाइज क्रैकन को चेप पाते कि नहीं। अभी मैं इनकी हेल्थ इतनी ज्यादा क्यों कर रहा हूँ बताया क्या? क्योंकि आपको पता ही होगा पिछली बार जब अपन ने भाई आर्चर्स बिर्चर्स को उतारा था बैटल में तब उनकी हालत क्या हुई थी। मैंने चाहता सेम हालत इसके साथ भी हो, इनके साथ भी हो भाई, ठीक है? ऊपर से वो लोग ना आ जाए, नहीं आएंगे ना? अरे नहीं यार ओरी भाई, आई आई आई, अरे 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 यार, ठीक है भाई उनको बाद में देख लूँगा। तुम पहले फॉलो वन अरे बेटा फॉलो विसल फॉलो, चलो आ जाऊँ गाइज। क्रैकन वर्सेस हमारी डार्क भाई ये आर्मी भाई, ठीक है? डार्क आर्चर डार्क बार्स्कर ब्रिस्कर भाई जो भी है भाई उनकी आर्मी गाइज, ठीक है? आ जाओ चलो देखते कौन जीत पाता है, क्रैकन या फिर हमारी आर्मी। क्रैकन बेटा नाग नाग तेरा पप्पा आया भाई, ए आ जाओ रे, ए दो ही हो गया, तीन लोग है। आ जा बाप रे क्या चिल्ला रहा भाई, देख रहे हो गाइस क्रैकन भैया एमोनाइट। अगर आप जुरासिक वर्ल्ड मोबाइल देखते हो तो उसमें जो एमोनाइट होता है ना गाइस उसकी तरह सेम दिखाई दे रहा है गाइस मेरे को, ये कोई भी डिफरेंस नहीं है एमोनाइट और इसमें भाई। अरे ना आर्मी हाँ चलो आ जाओ, पहले काम करो इस चोर को उड़ाओ भाई इसको। क्या ये रिपर स्पॉन कर सकता है? इम्पॉसिबल भाई कैसे? अरे भाई कैसे खुद रिपर स्पॉन कर सकता है? जा बेटा इसको पहल, जाओ। अरे बाप रे भाई लड़ाई देखो गाइस क्या चल रही है, भाई खतरनाक भेज के आगे। ओबे भाई अरे बाय। वाह मेरे को ही चेप डाला भाई। अरे मैं तो भाई लड़ाई का फोकट का मजा देखने गया था यार, मेरे को काहे को पेला भाई, मैं तो फोकट के मजे देखने गया था गाइस वहां पे, मेरे को उल्टा चेप डाला भाई। लेकिन उसका डैमेज मेरे को काफी तगड़ा लग रहा है गाइस, एक बटके में क्रैकन ने मेरी बैंड बजा दी यार। अपने आर्मी जो है ना गाइस स्क्रीनशॉट भी नहीं मारा, मरना जाए भेज गया वहां पे। जल्दी चल भाई ग्रिफिन लेके जाएंगे, आसमान से देखते रहेंगे भाई, ठीक है? आ जा बेटा ग्रिफिन लेके जाएंगे आसमान से देखते रहेंगे, ठीक है? इधर आ जा बेटा, तू इधर आ जा, तेरे को बाद में देखता अपन, रुक जाओ। अरे ग्रिफिन लेके जाएंगे आसमान से पहाड़ देखते रहेंगे भाई। आ जा जा जल्दी बेटा, बड़ा कम ऑन, हेल्थ बता कितनी डाउन है? अरे बाप रे भाई, अरे ये क्या है? अरे भाई ओरी मैया भाई, भाई चिप डालो। अब मेरा पैलेडिन कैसा है रे? अरे मेरा भाई नन्ना सा पैलेडिन जिंदा है कि नहीं भाई? मेरा पैलेडिन भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली फाइट कर रहा है। कम ऑन। अरे पेल डालो भेज के आगे, क्या कर रहे हो? अरे भाई उसको पीछे ढकेले जा रहे गाइज, अपने आर्मी, ये देख रहे हो? अरे यार ये पत्थर अगर उसके ऊपर गिर जाए ना तो मजा आ जाए भाई, ये पत्थर गलत जगह पे गिर रहे गाइज। एचपी रिगन, ये क्या पॉइजन रेन? व्हाट द हेल इज दिस? ये पॉइजन रेन है क्या? मेरे को बताने गाइज ये क्या है, पॉइजन रेन आई थिंक भाई। खतरनाक भाई, क्रैकन को पहाड़ी पे चढ़ा दिया भाई, हाफ हेल्थ डाउन भाई उसकी भाई। मेरे लोंडो की उतनी ज्यादा हेल्थ डाउन नहीं हुई है भाई अभी तक। कम ऑन भाई यू कैन डू इट। अरे यार तेरा अटैक किधर लग रहा है भाई, अटैक वहाँ पे लगना चाहिए। खतरनाक भाई, कतई ज्यादा ओपी तरीके से उसकी एचपी डाउन कर रहे हैं, हाफ से भी ज्यादा एचपी डाउन कर चुके हैं। पैलेडिन डार्क पैलेडिन जो ना गाइज उसकी एचपी काफी खतरनाक है भाई, उसको कोई छू भी नहीं पाया। ओके डार्क ओरा जा चुका है गाइज, डार्क ओरा भी रहा भाई खतरनाक यार। ये जो बीच है ना गाइज ये काफी, अरे ये क्या कर रही है ये? ओ भाई पत्थर स्पॉन करने के लिए ऐसे भाई अपनी एनर्जी मतलब इकट्ठा करके एक साथ छोड़ देते, वहां पे उसको लगा रिपर छोड़ दिया भाई उसने, अपने रिपर मिनियन को छोड़ दिया गाइस देखो तो। ओ भाई क्या खतरनाक बाइट चल रही है गाइस, क्रैकन की बाढ़ बचा के रख दो। ये क्या था, पॉइजन अटैक? ओ पॉइजन रेन गाइस, पॉइजन रेन डाल दी गाइस, ये देखो पॉइजन रेन डाल दी इसके ऊपर भाई। 600 भाई, 600 भाई मिलियन का, अभी खत्म भाई। ये रीजन कर रहा है, डार्क पैलेडिन रीजन कर रहा है खुद को भाई, डार्क पैलेडिन रीजन कर रहा है तुम्हारी। हाँ तुम्हारी तो ठीक है, अभी आप बोलोगे डार्क पैलेडिन की हेल्थ क्यों नहीं डाउन हो रही है? डार्क पैलेडिन उसको मार के उसके अंदर से जो ना क्या कर रहा है बताए क्या, वो डार्क ओरा जो होता है ना वो खींच रहा है गाइस वापस में, ठीक है? उसके कारण मेरे को लग रहा है गाइस, आई थिंक मेरे को लग रहा है
तुम्हारे पत्थर टूटना चाहिए, उसके बाद ही कुछ होगा। पत्थर नहीं टूटा तो दिक्कत हो जाएगी। पत्थर टूट गया, खत्म। अभी है, अभी ये खत्म गाइस। गया गया लोंडा, लोंडा गया गाइस, लोंडा मर गया। पॉइजन रेन गाइस, खत्म। क्रैकन बेटा ओसरी कलाना भाई, ये क्या था? गया गाइस, इसे बोलते खतरनाक वाली आर्मी गाइस। बताओ 2 मिलियन एल तो ऐसे खा गए गाइस ये लोंडे लोग। हैं 2 मिलियन एल तो ऐसे ही खा गए गाइस। क्या बोलती पब्लिक, क्या लगता है आपको, ये हमारे डार्क पैलेडिन की आर्मी जो है, डार्क वाली आर्मी है गाइस, वो क्या यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगी गाइस? जो एक काम करूंगा मैं भाई, ठीक है, आपने इनके सार के सारे अटैक तो देख लिए ना, मैं तीन, ये तीन लोंडो को लेके जाके ना गाइस यहाँ पे डेजर्ट में खतरनाक सी वो फाइट लूंगा, वो एक आंख वाले भाई इंसान के साथ। क्या बोलती पब्लिक, ये कुछ मिला नहीं क्या क्रैकन को मारने से? क्रैकन नल्ला था क्या? तेरे को तो मिला होगा। कुछ ही नहीं मिला क्रैकन को मारने से भाई, लेकिन इसने काफी खतरनाक काम करा भाई। ये जो ना गाइस डार्क रिपर स्पॉन कर रही है, डार्क रिपर मजाक समझ रखे हो भाई। वो देखो उसकी एक डार्क रिपर, वो देखो, वो देख रहे हो? हाँ, भले उसकी हेल्थ काफी ज्यादा कम है लेकिन डार्क रिपर है भाई वो। उसके पास एक खतरनाक सा आर्मर होता है, अगर वो मारने पे आ गई ना तो भाई बहुत ज्यादा गंदी तरीके से मारती है भाई। ये डार्क रिपर जो है ना गाइस, जो स्पॉन करने का काम वो भाई विच जो थी ना गाइस, डार्क विच वो कर रही थी। और डार्क विच भाई मेरे को काफी ज्यादा पसंद आ गई, मतलब इतनी ज्यादा पसंद आई ना, मैं आपको भाई बता नहीं सकता भाई, एकदम खतरनाक और डेंजरस है। और आज जो ना गाइस, मतलब ऐसा, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई अपने आर्मी को देखिए। और ये आर्मी अभी तक मैक्स लेवल नहीं है, इनको मैं मैक्स लेवल करके जो ना गाइस यहाँ पे एकदम खतरनाक और डेंजरस वाली जो फाइट है ना गाइस, वो अगले एपिसोड में लेने की कोशिश करूंगा। जो डेजर्ट में हमने एक आंख वाला लोंडा देखा था ना गाइस, एक आंख वाला लोंडा, उसको जो ना अपन यहाँ पे अगले एपिसोड में पेलमपाल देने का काम करेंगे भाई, ठीक है? उसको पेलमपाल देके रहेंगे अपन भाई। और मेरे हिसाब से मैं सिर्फ तीन ही जो भाई हीरोज है ना गाइस अपने, उन्हीं को इस्तेमाल करूंगा और उन्हीं से जो ना गाइस यहाँ पे बैंड बजाने की कोशिश करूंगा गाइस उसकी। तो कैसे लगा प्लान, है ना एकदम खतरनाक? बताओ गाइस, एक ही ने एकदम खतरनाक वाला। तो गाइस आपसे मिलते हैं सीधा अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। जो गाइस हमने क्रैकन के साथ अभी फाइट ली ना गाइस, वो फाइट आपको कैसी लगी वो मुझे कौन नीचे कमेंट मार के जरूर बता देना। अगर आपको फाइट पसंद होगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और गाइस एक मिनट रुक जाओ, ओ उसका डैमेज तो चला गया, मेरे को लगा उसका डैमेज दिखेगा अभी यहाँ पे। तो गाइस मिलते हैं आपसे सीधा अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल बोल के गाइस, आर्क पायरिया के। मुझे पता है आज का एपिसोड काफी ज्यादा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा हो चुका है, लेकिन आज के इस एपिसोड में बस अपन को इतना ही करना था। एक काम कर लेता ना भाई, मैं काम कर सकता भाई, अपन क्या कर सकते बताया क्या गाइस, यहाँ पे हम जो है ना गाइस डार्क पैलेडिन जो है ना गाइस अपने, इनके आर्मी को भाई लेवल अप कर सकते हैं ना गाइस। क्या बोलते हो, मैं इनको लेवल अप करने का काम कर लूँ क्या? मैं इनको लेवल अप कर रहता हूँ गाइस, ठीक है, वेट अ मिनट भाई। इनको लेवल अप करके एफएम के वीफम के पोशन जो है ना गाइस, वो खिलाने का काम कर लेता ना गाइस। ओके, एंड ये कौन है, डार्क है क्या कोई? अरे ये तो टिबूर है भाई। ओके, मेरे को लग रहा है कि ये तीनों काफ़ी है गाइस यहाँ पे भाई, ठीक है, ये तीनों यहाँ पे बड़ी बड़ी आर्मीज के ऊपर भाई भारी पड़ सकते हैं। एक काम कर, अरे यार इनकी लेवल अप करने के लिए मेरे को इनके अंदर डालना पड़ेगा ये पोशन, ठीक है। ये पोशन डालने के बाद कुछ टाइम बाद जो ना गाइस इनकी लेवल अप हो जाएगी, तुरंत ही ना होगी गाइस। और उसके बाद मैं इनको जो ना गाइस एफएम को पोशन खिला दूंगा भाई, ठीक है। चलो इनके अंदर जो ना गाइस लेवल अप कंटेनर जो ना गाइस वो डाल के रखता हूँ, जिनसे जो ना गाइस इनकी लेवल अप जो ना गाइस एकदम तगड़ी तरीके से होगा, ठीक है। और इनकी लेवल अप होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन भाई हो जाएगी भाई, हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो गाइस एक काम कर लेते हैं, आज का एपिसोड आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का, आर्क पायरा का ये पे खत्म करते हैं। इनकी लेवल अप करने का काम और इनसे बॉस फाइट करने का काम अपन अगले एपिसोड में कर लेंगे भाई, ठीक है। और अगर भाई बॉस फाइट में ये हारते हुए मुझे नजर आए ना, तो इनको जो ना गाइस मैं कोपचीवाड़ी में डायरेक्टली क्राइव करके भग जाऊंगा वहां से, पहले बता रहा हूं मैं भाई, ठीक है। चलो तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के, आर्क पायरा के। तब तक के लिए बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। But it's too late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.